अब तक हमने सिंगल लाइन स्ट्रिंग सीखा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग सीखा, आज हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में। बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स का फायदा क्या होता है कि हम जो है अब तक जैसे स्ट्रिंग सीखते आते हैं हेलो वर्ल्ड, तो मैंने एक ही स्ट्रिंग के अंदर हेलो एंड वर्ल्ड दोनों को डिफाइन कर दिया। बट सम केसेस में क्या होता है कि मुझे स्ट्रिंग्स को अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि एक जो स्ट्रिंग है वो जो है क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड के जितना ही हो। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 500 कैरेक्टर का एक जो है वो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और अब मुझे अगला स्ट्रिंग डिक्लेयर आउट करना है 200 कैरेक्टर का, तो मैं उसको अलग से भी डिफाइन कर सकती हूँ ना स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज आउट करते हैं, उसके पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको कॉमेंट करेंगे ताकि हमें डिस्टर्ब नहीं करें। टेम्पलेट लिटरल्स में हम सबसे पहले जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं एक बेसिकली प्रोग्राम क्रिएट करूंगी, अपना ही नाम प्रिंट कराऊंगी, लेकिन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को टेम्पलेट लेटर्स के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले एक लेट लेते हैं, इसके साथ में ले लेती हूँ फर्स्ट नेम यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिया उसके साथ मुझे क्या बताना होगा, सबसे पहले अपनी डेटा टाइप बतानी होगी जो कि स्ट्रिंग होगी ना। स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पर अपना जो भी हमारे टेक्स्ट होगा उसको बता देंगे। सेम इसी तरीके से एक और वेरिएबल लेंगे, इस बार में यहाँ पर अपने लास्ट नेम के लिए जो है वो एल नेम ले लेती हूँ, कॉलन से यूज करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप बताएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, महक मैंने एक अलग स्ट्रिंग डिफाइन किया, आलमगीर मैंने एक अलग स्ट्रिंग डिफाइन किया। अब मुझे लेकिन कंसोल लॉग के अंदर इसको प्रिंट कराना है। एक साथ में चाहती हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर आउटपुट आए वो क्या आए, वो मेरे पास यहाँ पर एक साथ आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एफ नेम को लेंगे, उस एफ नेम को हम यहाँ से प्लस कराएंगे, इसके साथ हम यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमास का यूज करेंगे, देन प्लस का यूज करके हम यहाँ पे अपना लास्ट नेम डिक्लेयर कर देंगे। दोबारा से बता देती हूँ, दो स्ट्रिंग्स दिए मैंने, एक महक एक आलमगीर, दोनों को मैं एक साथ प्रिंट कराना चाहती हूँ। एक साथ प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगी, इनको मैंने कंसोल लॉग के अंदर एफ नेम प्लस डबल इनवाइटेड कॉमास प्लस एल नेम, आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब जैसे मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी यू कैन इजीली सी कि महक आलमगीर एक साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इस बीच में स्पेस नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्पेस से वो डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेस डिक्लेयर करना भूल गई थी, अगर यहाँ स्पेस से क्लियर कर दूंगी तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात क्या थी कहने की, बात ये थी कि महक आलमगीर एक साथ लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या था, हमारे पास एक मेथड था यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, इसको हम जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है वो नहीं कहते। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इसी प्रोग्राम को एक नए मेथड यानी कि टेम्पलेट लिटरल या फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग की तरीके से यूज करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन को कमेंट करती हूँ ताकि ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो प्रोग्राम मैंने अभी लिखा है इसमें मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगी एंड यहाँ पर अब आपने गौर से समझना है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के बाद हम सिंपल ब्रैकेट लगेंगे। आपके कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर एक अदद बटन होता है टैब से रिलेटेड। ठीक है, आपने उस टैब से रिलेटेड बटन का यहाँ पर यूज करना है। जैसे आप टैब से रिलेटेड बटन का यूज करोगे कुछ इस तरीके का सैंपल जो कि हमारे पास डबल कोटेशन में होता है आपके पास आ जाएगा। तो आपने इस वाले टैब के सैंपल का यूज करना है अपने कीबोर्ड से। हम यहाँ पर कॉमास का यूज जो है वो नहीं करेंगे, टैब वाले जो हमारा है उसका यूज करेंगे अगर हम जो है वो टैबलेट लेटर्स को डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे डॉलर का साइन देंगे एंड डॉलर के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके मैं यहाँ पर एफ नेम को जो है वो डिक्लेयर्ड आउट कर दूंगी। मैं जैसे ही एफ नेम को यहाँ पे डिक्लेयर्ड आउट करूंगी तो आउटपुट में मेरे पास क्या होगा, सिंपल यहाँ पर महक जो है वो प्रिंट होकर आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यू कैन सी कि एफ नेम क्या था मेरे पास, महक था, तो महक प्रिंट होकर आ गया। अगर मुझे यहाँ पर सेम इसी प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट करूं और एफ नेम की जगह मैं यहाँ पर एल नेम कर दूं तो अब सिंपल सिर्फ जो है वो है कालमगीर प्रिंट होके नहीं आया, सिर्फ ये इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसको जो है वो
एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, इसको हम करते हैं यहाँ से कमेंट एंड मैं इसको रन करती हूँ। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि मेरे पास आलमगीर यहाँ पर प्रिंट होकर सिंपल आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने टैंपलेट लेटर्स का यूज कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे पास क्वेश्चन वही है यहाँ पर कि अगर दोनों को एक साथ प्रिंट कराना है। अच्छा, दोनों अब क्या हुए थे, जब मैंने यहाँ पर पहले प्रिंट आउट कराए थे तो ऊपर नीचे प्रिंट हो गए ना एक दूसरे के। देखो ये वाला जो मैं है कालमगीर था, ये ऊपर नीचे प्रिंट हो गया, एक दूसरे के साथ में प्रिंट नहीं हुआ था। अभी भी हमारे टास्क क्या है, इसको साथ में प्रिंट कराना। तो हम अगेन कंसोल लॉग का यूज करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज आउट करेंगे। एंड कंसोल डॉट लॉग में अब हम क्या करेंगे, दोनों को उसी तरीके से एक साथ डिक्लेयर करेंगे। ब्रैकेट्स में जाएंगे, अपने टैब कॉलम्स का यूज करेंगे यहाँ पर, एंड इनका यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन से डॉलर साइन को देंगे। डॉलर साइन के साथ में कर्ली ब्रैकेट्स लूंगी। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सबसे पहले अपने एफ नेम को डिक्लेयर करूंगी। एफ नेम को डिक्लेयर आउट करने के बाद में कर्ली ब्रैकेट से बाहर आऊंगी। एंड बाहर आने के बाद में यहाँ पर अगेन डॉलर साइन को यूज करूंगी। अगेन डॉलर साइन यूज करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स दूंगी। एंड इस बार हम यहाँ पर अपने एल नेम को डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने दोनों के दोनों जो नेम्स हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर आउट कर दिया है। आपको स्क्रीन पे जूम होके भी कोड जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम इसको जैसे यहाँ से रन करेंगे, सो यू कैन सी कि महक आलमगीर एक साथ प्रिंट होकर आ गए। तो अगर यहाँ पर महक आलमगीर की जगह हम ज्यादा टेक्स्ट लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ से आने के बाद जो है मैं कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। मैं अबाउट महक आलमगीर में आती हूँ, एंड यहाँ से आप मिसाल के तौर पे समझो मैं एक पैराग्राफ ये कॉपी करती हूँ, सिंपल प्रोग्राम में आती हूँ, यहाँ पे मैं इसकी जगह भी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और हम जहाँ पर आलमगीर लिखा है यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या पेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट ये लिया। इसको बताने का बेसिक मकसद ये है कि इन दोनों टेक्स्ट को यहाँ पर जब मैं रन करूंगी, मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है, हम जब इन दोनों को यहाँ पे रन आउट करेंगे, अब देखो कितना बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है। तो आउटपुट में मेरे पास इतना बड़ा टेक्स्ट आना चाहिए। मैं इसको जैसे ही रन करूंगी, यू कैन रियलाइज कि पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास एक साथ लिखा हुआ आ गया। तो बताने का मकसद ये था कि टैपलेट लिटरल्स या फिर टैपलेट स्ट्रिंग्स इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर मैं बहुत सारे जो है वो कैरेक्टर्स डिफाइन कर दूं तो उनको हम किस तरीके से आसानी से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं।